bismillah ar-rahman rahim we have completed almost all topics in monetary theory. so now we move on to second part of our course that is monetary policy. and monetary policy decisions are taken by central bank of the country or of an economy. so that's why we start our policy side from central banking. एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेक्स ऑरिजन ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग हम पहले सेंट्रल बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर सेंट्रल बैंकिंग से आगे मॉनिटरी पॉलिसी और उसके टूल्स और उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ तो चूंकि सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी बनाते हैं तो जरा हिस्टोरिकली देख लें कि सेंट्रल बैंक कब से बनना शुरू हुए दुनिया में और कौन से सेंट्रल बैंक्स पहले बने और ट्रेडिशनली उनके क्या फंक्शन थे और फिर हम आहिस्ताएंगे कि आज के सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्पेसिफिकली क्या फंक्शन है तो पहले सेंट्रल बैंक को देखते हैं कि होता क्या है? का काम जो है वो सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जिसका काम है मॉनिटरी पॉलिसी को कंडक्ट कर और फंक्शंस भी है लेकिन ये इसका एक मेन फंक्शन जो सेंट्रल बैंक के एक्शन होते हैं वो जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट को इफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन रेट को इफेक्ट करते हैं इसका मतलब है जो सेंट्रल बैंक के एक्शन हैं वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इकोनॉमिक वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं तो ये सेंट्रल बैंक क्या है और उसके एक्शन किस को इफेक्ट करते हैं ये एक इंट्रोडक्शन था अब अगर हम देखें कि दुनिया में ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक कौन से यानी कि वो पहला सेंट्रल बैंक कौन सा बना फिर कौन सा बना या इस तरीके से ओवर टाइम कैसे सेंट्रल बैंक बने तो जो सबसे पहला दुनिया में सेंट्रल बैंक हमें अपनी हिस्ट्री से पता चलता है वो है स्वेरियस रिक्स बैंक या बैंक इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं ये बेसिकली बैंक ऑफ स्वीडन है जो कि सबसे पहला सेंट्रल बैंक है दुनिया का जो 1668 में बना 1668 में यानी कि तकरीबन आज से जो है वो साढ़े तीन सौ पौने चार सौ साल पहले आज फिर दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड बना जो 1694 में बना तो दुनिया के जो ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक्स हैं वो ये दो कहलाते हैं क्योंकि ये सत्रहवीं सदी के जो हैं वो हैं सेंचुरी कौन से स्वेरिजस रिक्स बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ये दोनों सेंट्रल बैंक हैं एक स्वीडन का है एक इंग्लैंड का है अब ये जो शुरू शुरू में इतनी पुराने तीन चार सदियां पहले की हम बात कर रहे हैं सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम अभी जनरल उनके फंक्शंस देखेंगे ओल्ड सेंट्रल बैंक के आज के जमाने में सेंट्रल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं हम इनको तो बड़ी डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे लेकिन जो ओल्ड सेंट्रल बैंक थे उस वक्त उनके क्या फंक्शंस थे उसको जस्ट एक समराइज करते हैं एक स्लाइड के अंदर वो ये है कि जैसे फंक्शन ऑफ स्वेरियस रिक्स बैंक जो था वो क्या था लैंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ये उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि वो मनी लैंड करता था गवर्नमेंट को यानी कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट आप समझ लें कि पूरा करता था बाइंग गवर्नमेंट डेट यानी कि वो गवर्नमेंट का डेट बाय करता गवर्नमेंट डेट लेती देती ऑफर करती थी ना कर्ज लेने के लिए तो वो बायकॉन करता था स्वीडन का सेंट्रल बैंक देन सिक्योरिंग कैशलेस इंटरनेशनल पेमेंट्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी यानी कि एक उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल पेमेंट्स का कोई ऐसा तरीका बनाया जाए जिसमें करेंसी फिजिकली इन्वॉल्व ना हो ताकि इंटरनेशनल ट्रेड की जो ट्रांजेक्शन है उनमें इकोनॉमिक एफिशेंसी बढ़ जाए फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन मॉनिट्री स्टेबिलिटी यानी कि मनी की स्टेबिलिटी रहे मनी की जो वैल्यू है उसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस ना आए तो दो बैंक्स की हम बात कर चुके तो रिक्स बैंक और दूसरा क्या है आ, बैंक ऑफ इंग्लैंड उसके बाद अब आप आते हैं कि दुनिया का एक बहुत मशहूर सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व जिसे सिर्फ फेड भी कहते हैं तो हम चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो ये तो उस टाइम के बैंक की बात है जब पाकिस्तान ही नहीं बना था पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक क्या बनता तो हम अभी पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं एवोल्यूशन जो पहले मैंने दो बैंक्स बताए वो दोनों सेवनटीन सेंचुरी के थे ये है ट्वेंटियथ सेंचुरी का बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम या इसे फेड भी कहते हैं ये बेसिकली यूएस का सेंट्रल बैंक है इनिशियली यूएस के अंदर सेंट्रल बैंक बनाने की मुखालफत की जाती रही यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में सेंट्रल बैंक्स बन गए लेकिन यूएस के अंदर नहीं बन पा रहा था इसलिए कि उसकी मुखालफत पोलिटिकली आवाम की तरफ से की जाती थी कि इससे फाइनेंशियल पावर्स एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे लेकिन 1870 से लेकर 1907 तक फाइनेंशियल क्राइसिस आए यूएस के अंदर जिसके बाद लोगों को यह ख्याल आया कि इन क्राइसिस से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपना सेंट्रल बैंक बनाएं जिसके बाद 1913 के अंदर जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम बन गया लेकिन चूंकि प्राइमरी अपोजिशन ये थी कि कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए तो इसलिए फेडरल रिजर्व सिस्टम का जो डिजाइन किया गया वो ये है कि उसके अंदर टेल्व रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक हैं तो पावर जोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई यानी कि एक जगह पे पावर्स कॉन्सेंट्रेट ना हो और ये जो फेडरल रिजर्व है ये प्राइवेटली ओन्ड है बाय इट्स मेंबर्स बैंक यानी कि मेंबर बैंक की तरफ से उसकी ओनरशिप है उसके बाद जो है वो एमरजिंग इकोनॉमीज के अंदर देखें तो जैसे जैसे वक्त बड़ा एमरजिंग इकोनॉमीज यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी जब उन्होंने डेवलप करना शुरू किया और उन्होंने तरक्की करना शुरू की जैसे जापान की आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं या और इस तरह के कई और कंट्रीज़ ने बाद में साउथ कोरिया ने किया ताइवान ने किया तो कोई भी इमरजिंगानमीज़ जो भी थी उन्होंने भी फिर अपने अपने वक्त के साथ सेंट्रल बैंक्स इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी लेकिन ज़्यादातर उनके सेंट्रल बैंक्स तभी बने जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली यानी कि वो कॉलोनीज़ थे पहले किसी ना किसी और कंट्री के साथ किसी और कॉम की तो जैसे जैसे वो कॉलोनियलिज्म ख़त्म होता गया और ये इंडिपेंडेंट होते गए कंट्रीज और फिर उन्होंने तरक्की शुरू की तो साथ साथ इन्होंने अपने सेंट्रल बैंक्स भी बनाना शुरू किए लेकिन सेंट्रल बैंक का जो इनका स्टाइल था वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की तरह था यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक से मुराद है कि जो यूरोप के अंदर सेंट्रल बैंक थे इनका स्ट्रक्चर उसकी तरह था ज्यादातर का यूएस से स्ट्रक्चर नहीं मिलता बल्कि यूरोप के डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलता है अब जो ओनरशिप होती है सेंट्रल बैंक की वो किसके पास होती है ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करते जाएं ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट ओनरशिप स्ट्रक्चर हैं मसलन बैंक ऑफ इटली दैट इज़ प्राइवेटली ओं बाय कमर्शियल बैंक जो कि उसके मेंबर बैंक्स हैं वही उसके ओनर भी तो ये प्राइवेटली ओन्ड है फेड जो है वो पारशली प्राइवेटली ओन्ड है पारशली पब्लिकली ओन्ड है उसके अलावा जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है अब ये मैं ई की बात कर रहा हूँ यूरोपियन सेंट्रल बैंक द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये जो है ये इसकी ओनरशिप किसकी है जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक्स की ओनरशिप है इसके अंदर फिर कई जगह पे ऐसा भी सिस्टम है कि सेंट्रल बैंक की जो एक छोटी सी फ्रैक्शन है ओनरशिप की वो प्राइवेटली ओन्ड है लेकिन मेनली वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए लें तो बेल्जियम है ग्रीस है स्विट्जरलैंड है जापान है टर्की है साउथ अफ्रीका है इन मुल्कों में एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक की ओनरशिप का वो प्राइवेटली ओन्ड है जबकि मेजर जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर का ही है अच्छा ओवर टाइम पर सेंट्रल बैंक के फंक्शन चेंज भी होते रहे चूंकि हम हिस्ट्री अभी डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस को डिटेल में बाद में डिस्कस करें तो ये चेंजिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का मतलब यह है कि जब हम एटीन सेंचुरी से चले तो ओवर टाइम कैसे सेंट्रल बैंक के फंक्शन चेंज होते रहे तो हिस्टोरिकली डिफरेंट uh, फंक्शन रहे और ओवर टाइम चेंज होते रहे उनमें इशूइंग बैंक नोट एक फंक्शन रहा रेगुलेटिंग बैंक्स रहा मॉनिटरिंग इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम एक फंक्शन है और रहा है रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट है फाइनेंसिंग गवर्नमेंट है और सपोर्टिंग बैंक्स विद शार्ट लिक्विडिटी है ये इनमें से अक्सर फंक्शन आज भी मौजूद हैं और इन्हीं को हम बड़ी डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे थैंक यू